अंदर बहुत ही बढ़िया से अच्छे प्ले कर रहे हैं वो, इसी एंटिसिपेशन में कि सरकार अगर रिपीट हो रही है तो उनके दिन और तेज और बेहतर हो जाएंगे। उसमें से एक रेलवे है, दूसरा है पावर। पावर के स्टॉक्स आप चेक करेंगे, गाय बगाय वो भी चल रहे हैं, रेलवे के शेयर्स भी चल रहे हैं। दो शेयर्स मैंने निकाले हैं इसी कैटेगरी में, एक है रेलटेल। मेरे को लग रहा है एक बढ़िया ब्रेकआउट कल हुआ है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी ठीक था। जरा स्क्रीन पर दिखाएं आप देवांग, एक बार जरा आप चेक करेंगे रेलटेल का शेयर, कल ये अच्छा क्लोज हुआ, डेज हाई पे क्लोज हुआ, वॉल्यूम भी ठीक था, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स थे कल इसमें। बात करें डेफिनेटली स्टॉक्स में अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला ऑन द डेली चार्ट, तो अभी इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 445 447 तक के जोन है वो, वहां तक आ सकता है स्टॉक। यहाँ पे सपोर्ट की बात करें 425 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं रेलटेल को। जैसे मैं दो सेगमेंट आपको बता रहा था, एक तो मैंने रेलटेल आपको बता दी, प्रोड्यूसर साहब ने स्टैम्प पे लगा दिए, ब्रेकआउट भी है, देवांग ने इसका कंफर्मेशन भी कर दिया, संतोष मीणा ने जुबिलेंट के बारे में आपको बता दिया, फटाफट से स्टैम्पिंग लगा के सारी चीज़ क्लियर करते जाओ। एक दूसरा सेगमेंट है वो है पावर वाला, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें भी डिविजन्स है। आपको पता है प्रोडक्शन से लेके ट्रेडिंग तक पावर की बहुत सारी कंपनीज हैं लिस्टेड, इसलिए गौरांग सर का थोड़ा, माफ़ कीजिए, अविनाश सर का थोड़ा एक्सपीरियंस लेते और उनसे पता करते एक दो शेयर ऐसे। अविनाश सर, NTPC, पावर ग्रिड, REC, PFC, IEX, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पावर के अंदर हैं। आप एक दो नाम बता सकते हो जहाँ पे वैल्यूएशन भी है और पॉलिसीज इंपैक्ट बहुत ज़ोरदार आएगा इस गवर्नमेंट के साथ साथ? ने बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि REC काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। REC मुझे लग रहा है कि अगले साल की आउटलुक की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंटली कहा है कि नंबर्स काफी बेहतर आएंगे। मुझे लगता है कि 600 सवा 600 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, अगर किसी के पास 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है। पावर जो फाइनेंसिंग जो एरिया है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बजट में अनाउंस हो जाएगी, और इसलिए REC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो फाइनेंसिंग एजेंसीज है पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, इनको काफी फायदा होगा। अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में मुझे अभी भी लगता है कि लोअर लेवल्स पे टाटा पावर, उसके बाद टिपिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई जाना चाहता है तो KEC इंटरनेशनल है जो पावर ट्रांसमिशन में। तो ये सारे जो स्टॉक्स है डिम्पी, मुझे लगता है कि अगले 12 से 15 महीने में और भी तेज होंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, और ओवरऑल जो टेलवेंड्स पावर सेक्टर का दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए पावर का डिमांड बहुत अच्छा रहेगा, और सप्लाई साइड से अभी भी इतनी सप्लाई बनी नहीं है, तो ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा इजाफा होगा। तो KEC इंटरनेशनल और REC ये दोनों ही काउंटर्स पसंद आ रहे हैं, पर कई सारे और स्टॉक्स भी हैं जिन पे आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और मेट्रोपोलिस, यहाँ पे जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे, पर संतोष एक बार चार्ट चेक दीजिए मेट्रोपोलिस में, क्योंकि हमने देखा कि डायग्नोस्टिक लैब्स के जो नंबर्स अच्छे आ रहे थे, मेट्रोपोलिस ने शायद पहले ही इसके बारे में थोड़े क्यूज ज़रूर ले लिए। कल डेज हाई पे बंद हुआ था, पर आज के लिए कौन से लेवल्स ध्यान में रखें, क्योंकि एक ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी अच्छे नतीजे थे हो सकता है कि वो फैक्टर्ड इन हो, तो आज अगर कोई रिवर्सल आता है तो कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, और अगर यहाँ से ऊपर की चाल ये स्टॉक लेता है तो भी कौन से लक्ष्य के लिए हम देखें। यस, मेट्रोपोलिस का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाईज हायर लोज बना रहा है, लेकिन हो सकता है स्टॉक आपका 1950 से 2000 की रेंज के बीच में अटक जाए, अच्छे गैप अप ओपन पर शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो एक रिस्क रहेगा क्योंकि 1900 से 2000 के बीच में कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है और वहाँ पे एक चैनल का अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, व्यू बुलिश है लेकिन हायर लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। व्यू बुलिश है पर ऊपरी